कल गए मुझे ऑफिस से साइट से आने में और जहाँ रूम पहुँचने में लगभग 8 बज गए थे, और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि उसमें इशू ऐसा ही वाला था कि मोशन सिकनेस हो गया, मेरे को उल्टी जैसा फील होने लग गया था। फिर उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए रेस्ट किया, फिर उसके बाद व्लॉग एडिट करने लग गया था मैं, और पीछे आंटी जी जा रही हैं और मुझे देख रही हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ लेकिन मैं बोला था ना, मुझे मेरा काम करना है, बाकी सबको अपना काम करने देना, मेरे को मेरा काम करना है। तो यही है कि मैं लगभग ब्लॉग एडिट करके फिर सोते समय मेरे को हो गया था 2 से 2:30 बज गए थे, और मैं सुबह सुबह 7:30 बजे उठ के तो ब्लॉग अपलोड पे लगाया, और बाकी की बातें आपको मिलेगी ऑफिस में जाकर। मैं गया रहा है और सामान लेना है मुझे, कल का चावल नहीं लिया हूँ, बिना चावल के मैं ज़िंदगी काट रहा हूँ, तो इससे अच्छा है कि आज चावल ले लेता हूँ, क्योंकि सैटरडे सैटरडे के बाद जो है गाड़ी रहेगी नहीं संडे में, तो फिर मुझे आना पड़ेगा अलग से लेने के लिए। उससे बेहतर है कि मैं अभी ले लेता हूँ, जाऊँगा मैं, लोकेंद्र जी अपने किसी ऑफिशियल वर्क में बिजी हैं तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, और आज है मेरे साथ केदार, तो केदार के साथ जाना है। तो आज मुझे लेना है चावल, पीनट बटर और ब्रेड। देखता हूँ अभी क्या क्या मैं ले सकता हूँ। केदार से मैं गाड़ी मांगा था भाई, इसने डिच कर दिया, इसने भी मेरे को डिच कर दिया केदार। अब इसकी भी गलती नहीं है, इसको कहीं जाना है और मैं इसको पहले बता के नहीं रखा था। कल मेरे साथ एक ऐसा ट्रेजडी हुआ है कि मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, इसलिए कि मैं कल जब भी जो भी सामान लेने गया आपको उसमें मेरी आवाज़ नहीं दिखेगी, इसलिए नहीं दिखेगी कि मैं जो सामान लेने गया तो मैं अपना माइक यूज़ किया, लगाया, पूरा चेक किया, लेकिन पूरा माइक में आवाज़ नहीं आई है। तो मैं उसको वॉइस ओवर दे के आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि क्या मैंने किया है, क्या नहीं किया है, और क्या लाया हूँ, क्या नहीं लाया हूँ। तो आप लोग उसमें शायद आवाज़ भी मैच न करें, इसलिए कि मेरा कोई व्लॉग स्क्रिप्टेड होता नहीं है, और मैं जो बोल लेता हूँ वो बोल लेता हूँ, फिर बाद में मैं उसको मैच करने की कोशिश करूँगा, बाई हर्ट मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने माइक ऑर्डर किया है, वो तो आ गया है माइक, लेकिन मेरे साथ यह जो गिम्बल लाया हूँ, गिम्बल में वो मेरा माइक आ नहीं रहा, तो मैं दूसरा गिम्बल ऑर्डर कर चुका हूँ, वो आएगा, उसके बाद सब कुछ अपना सेटअप हो चुका है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो गाइज़ प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा सा बियर कर लीजिए। यह मैं राइस शॉप पे पहुंच गया और उसको बोल रहा हूँ कि मुझे मेरा वाला राइस चाहिए, उसको पता है कि मैं कौन सा राइस यूज़ करता हूँ, और इधर मैं इधर चला आया बताते हुए कि हाँ यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ का चावल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा पुराना बॉन्ड बन गया है, और वो पूछ रहा आपको वही वाला राइस चाहिए ना जो आप ले जाते हैं, तो मैं उसको बता चुका हूँ। फिर मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि हाँ मैं यहाँ से चावल क्यों ले जाता हूँ, क्योंकि दुकान वाला भाई उसको भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए कि हमारा कस्टमर, तो वो बार बार मेरे कैमरे में देख रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा उत्सुक है जानने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वही बता रहा हूँ। मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, अपनी डेली लाइफ लोगों को शेयर करता हूँ। मेरा राइस लेके हो गया और मैं लिया हूँ लगभग 5 किलो के लिए, 5 किलो मेरा लगभग चल जाएगा 15 से 20 दिन। हाँ केदार, 5 किलो चल जाएगा ना, कम से कम 15-20 दिन, 15-20 दिन चल जाएगा, और इसमें मेरा बहुत हो जाएगा, और मुझे लेना है अभी, कल संडे है ना, तो इसकी वजह से मुझे लेना पड़ेगा ब्रेड और पीनट बटर। पीनट बटर ले लेता हूँ मैं, मॉर्निंग में मुझे बहुत इशू हो रहा है यार, अभी नाश्ता करने में जल्दी जल्दी मैं बना नहीं पाता, इससे अच्छा है कि मैं केला, पीनट बटर और ब्रेड खा लूँगा, सबसे बेस्ट है। यहाँ से लेना है पीनट बटर और ब्रेड, अभी देखता हूँ पीनट बटर मिल जाता है लेकिन ब्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो घुसते हैं अंदर, मिलते हैं आपको अभी। गाइस मैं यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये लाया हूँ भुजिया जो नमकीन टाइप का है, और ये मैं एडिट करते करते समय खाऊंगा, और ये रहा मेरा ब्राउन ब्रेड जो सुबह में नाश्ते के साथ खाऊंगा, और मेरे पास ये रहा पीनट बटर, पीनट बटर जो है ब्रेड के साथ खाने के लिए है, घी है, घी जो दाल चावल खाता हूँ थोड़ा टेस्ट के लिए,
और मैं ये लाया हूँ प्रोटीन प्रोटीन चॉकलेट। प्रोटीन चॉकलेट जो है मैं तीन लाया था, तीन में से एक ही रह गया मेरा, कि क्योंकि मैं दो खा चुका हूँ। और मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कभी मैं कभी ब्लॉग अपडेट करते समय मैं बहुत बहुत रेयरली केस में होता है कि मैं खाना खा पाता हूँ या नाश्ता कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं ले लिया हूँ क्योंकि संडे रहेगा, मंडे जो भी दिन रहेगा मैं उसमें खा पाऊँगा अच्छे से। और मैं ब्लॉग एडिट करते समय रात में भी बहुत ज़्यादा लेट सोता हूँ, खा नहीं पाता हूँ, तो वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।